Arjun Kapoor, Sanjay, Dutt, Kriti, Sanon starrer. Much-awaited film Panipat ka trailer ho chuka hai release. Ye film Panipat ki aitihasik ladai par based hai, jo Abdali aur Marathaon ke bite saal 1971 mein ladi gayi thi. Is film ko Ashutosh Gowariker ne direct kiya hai. Film 6 December ko release bhi ho rahi hai. ट्रेलर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। ट्रेलर को ज्यादातर नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिल रहे हैं। कुछ लोग फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद इसकी तुलना बाजीराव मस्तानी और पद्मावत के साथ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अर्जुन कपूर पानीपत में रणवीर सिंह की तरह एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो बुरी तरह फेल हुए हैं। तो वहीं संजय दत्त को फिल्म का स्टार बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग संजय दत्त के लुक और एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस फिल्म के स्टार कास्ट अर्जुन कपूर, कृति सेनन, पद्मिनी कोल्हापुरे, मोहसिन बहल, कुणाल कपूर, सुशेनी मोहन, रविंद्र महाजनी नजर आएंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारीकर हैं, प्रोड्यूसर सुनीता गोवारीकर और रोहित सेलातकर हैं। इस फिल्म के डायलॉग्स अशोक चक्रधर ने लिखे हैं और लिरिक्स लिखे हैं जावेद अख्तर ने। हमारी खबर लिखने तक इस फिल्म को एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में ये फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में भी चल रही है। तो चलिए अब दर्शकों के कुछ रिस्पॉन्स भी जान लेते हैं, जिसमें हर बार की तरह हम इस बार भी आपको बताएंगे फैंस के कुछ पॉजिटिव कमेंट्स और कुछ नेगेटिव कमेंट्स। तो शुरुआत करते हैं पॉजिटिव कमेंट से, उन लोगों के कमेंट से जिन्हें ये फिल्म का ट्रेलर खासा पसंद आया है। अमित सिन्हा का कहना है, ऑसम ट्रेलर पानीपत। सागर मुलमानी का कहना है, वाओ दिस ऑसम ट्रेलर, देम इन फुल मूवीज ब्लॉकबस्टर, थैंक्स। आशुतोष जी, मूवीज अगेन मराठा वॉरियर्स। अतुल थापा का कहना है, आई एम लाइकिंग फॉर कृति ओनली। विनित धोका का कहना है, ट्रेलर इज नाइस बट आई डिडंट लाइक द कास्टिंग। शालिनी शर्मा का कहना है, संजय दत्त इज रियली इन टू दिस करेक्टर। आशीफ शाह का कहना है, बाबा क्या लुक है, सुपर्ब। अजीज मेहंदी का कहना है, अर्जुन कपूर एक्टिंग एंड डायलॉग्स डिलीवरी नॉट गुड बट आई लव बाबा करेक्टर, हिज लीजेंड्स। तो बहुत मुश्किल से हमें सिर्फ कुछ कमेंट्स ही मिले हैं जिन्हें ये फिल्म पसंद आई है, फिल्म की कास्टिंग पसंद आई है, फिल्म का हर लुक पसंद आया है, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स की भरमार है। इसलिए इस बार हम इस फिल्म के नेगेटिव कमेंट्स ही आपको ज़्यादा बता रहे हैं। शिप्रा शर्मा लिखती हैं, व्हेन हैविंग बजट रणवीर सिंह, Having low budget, then Arjun Kapoor and Sanjay Dutt. Pranav Jugs likhte hain, thank you for giving us the whole story in this trailer. Now I don't need to watch it all. Chandan Raj likhte hain, Arjun Kapoor garibon ka Ranveer Singh hai. Khan ka kehna hai, I am hospitalized after watching this trailer and Arjun acting. Apurva Dikshit kehti hain, did he just say Delhi? Inhone timing bhi batai hai. And लिखते हैं कि well they used to say it like that as per information given to me it's Delhi. Apologize an army of viewers coming to correct me. करणवीर शर्मा का कहना है, everything is superb, बस अर्जुन के जगह रणवीर होना चाहिए था। जयेंद्र काबूकर ने भी लिखा है कि जो इतिहास की फिल्म है उसमें पूरा इतिहास सही होना चाहिए, ना कि मिलावट। मोहित शर्मा कहते हैं, better to watch deleted series from बाजीराव। नीरज कुमार कहते हैं, अर्जुन कपूर्स डायलॉग डिलीवरी मेक मी फील दैट ही इज स्टिल इन टू स्टेट्स। अभिरामी कहती हैं, विच एवर फिल्म कम्स इन रिलेटेड टू मराठी हिस्ट्री नथिंग कैन रिप्लेस और बी इक्वल टू बाजीराव मस्तानी, हु एग्री। लविस ठकराल का कहना है, रजत थोकस ले लेते अर्जुन की जगह। कावा का कहना है, इट इज लुक लाइक टीवी सीरियल नॉट लाइक बाहुबली और एनी साउथ मूवीज। Next to 9 Lifestyle Dex की रिपोर्ट।